वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल पर प्रेस करें। वेलकम बैक गाइज ऑन माई चैनल शाहिद एजुकेशनल, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट्स 12th क्लास की। दोस्तों अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो जो जॉइंट वेंचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस और वेंचर विच एग्जीक्यूट्स बाय टू और मोर पर्संस सच A business or a venture is undertaken for a specific time or business or for a certain period. दोस्तों जॉइंट वेंचर जो है स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस होता है और वेंचर होता है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो स्पेसिफिक टाइप बिजनेस होता है, सर्टेन पीरियड के लिए होता है। जैसे ही काम पूरा होता है वैसे ही जॉइंट वेंचर जो है ओवर हो जाता है। दोस्तों अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस कोई भी एनी फोर याद करने हैं आपको दोस्तों एनी फोर आपको याद करने हैं, जिनमें से पहला है टाइटल या नेम। तो जॉइंट वेंचर यूजुअली हैज़ नो नेम, जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज हैज़ सम नेम, पार्टनरशिप के कुछ नेम होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें यानी कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की, तो दोस्तों दिस ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू वर्क फॉर अ पार्टिकुलर टाइम और फॉर पार्टिकुलर बिजनेस। ये काम करती पार्टिकुलर टाइम पार्टिकुलर बिजनेस के लिए, जबकि पार्टनरशिप जो है वो बननी होती है सेम बिजनेस को कंटिन्यू करने के ऊपर। दोस्तों तीसरा है रजिस्ट्रेशन, जॉइंट वेंचर बिजनेस डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, जॉइंट वेंचर में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी होता है जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन दोस्तों। और दोस्तों चौथा है एक्ट, देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर। यहाँ पर कोई जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट एक्ट नहीं बनाए हैं। और पार्टनरशिप में बात करें तो व्हेन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्टनरशिप, प्रत्येक पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल होता है। मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को वेंचर, जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें तो हम को वेंचर कहते हैं। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स हो गए मेंबर पार्टनर कहलाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो जॉइंट वेंचर में मिनिमम जो नंबर है मेंबर हैं जॉइंट वेंचर में वो दो या दो से अधिक होते हैं और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। या फिर पार्टनरशिप की बात करें तो दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप इज टू एंड मैक्सिमम नंबर इज 50, कम से कम दो होते हैं और जो मैक्सिमम वो 50 हैं ऐसा भी कहा जाता है या कहते हैं। और इसमें 100 मेंबर हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हो तो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई इसके मेंबर्स की बात। ठीक है अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों आगे इसके मेथड, तो दोस्तों इसके जो मेथड हैं वो जनरली दो हैं। एक तो सेपरेट बुक रखता है, देखो ये अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर, सेपरेट सेट ऑफ बुक इज कैप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, सेपरेट बुक रखता है। दूसरे में नो सेपरेट सेट ऑफ बुक इज कैप्ट जॉइंट वेंचर, लिए कोई सेपरेट बुक नहीं होती है। इसमें नो सेपरेट बुक वाले में दो होते हैं, ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ओनली, प्रत्येक को वेंचर रखता है अपने खुद के ट्रांजेक्शन और दूसरा है अपने भी रखता है और दूसरे का भी। देखो इंग्लिश में बात करें तो ईच को वेंचर keeps record of his own as well as of other co-ventures। ठीक है ये तो हो गई इसकी बात। अब इसकी जो एंट्री है वो मैं बात बता देता हूँ आपको। पहली एंट्री है when cash is brought by co-venture to contribute share of capital, जब co-venture जो है बैंक में मतलब ओपन करेंगे अकाउंट। joint bank account debit to co-venture personal account being contribution of cash made by co-venture। When good are purchased for joint venture, जब भी कोई सामान खरीदेंगे joint venture के लिए co-venture, joint venture account debit
टू जॉइंट बैंक। अगर इसमें कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है, इसमें सामान आ रहा है जॉइंट वेंचर, और इसमें ब्रैकेट में परचेज लिख देंगे और जॉइंट बैंक के इससे पैसा जा रहा है, तो दोस्तों इस वजह से ये क्रेडिट हो गया है। व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय जॉइंट वेंचर, जब एक्सपेंसेस होते हैं और जॉइंट वेंचर के द्वारा दिए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है टू जॉइंट बैंक, एक्सपेंसेस डेबिट और जिसमें जा रहा है वो क्रेडिट। दोस्तों आगे एंट्री आती हैं जब गुड्स जो है बेचे जाते हैं पार्टनर के लिए फॉर कैश सेल, कैश में बेचे जाएं तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक में पैसा आ रहा है व्हाट्स कम इन डेबिट, और जॉइंट वेंचर से जो है सेल जा रही है व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ओके, जब भी हम गुड्स को सेल में सेल करेंगे कैश में तो ये एंट्री होगी। नंबर टू पे क्रेडिट सेल, क्रेडिट पे सेल करनी है। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जो भी कस्टमर ले रहा है उसका डेबिट हो जाएगा और जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट होती है। छठे नंबर पे जो है वो है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डेटर, क्रेडिट पे दिया है सामान लेकिन जो अमाउंट वो रिसीव हो गया तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। जब तो हम कस्टमर को डेबिट कर रहे थे क्योंकि वो देगा इन फ्यूचर, है ना, हमारे लिए एक्सपेंसिव थे, और अब हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि उसने चुका दिए। ये नोट लिख रहा है डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर, यदि डिस्काउंट डेटर को दिया जाता है या फिर डेटर फेल हो जाता है पेमेंट देने में तो बैड डेब्ट डेब्ट जॉइंट वेंचर इन बोथ केस दोनों में होता है। तो पहली एंट्री जो है ये है सात नंबर पर, व्हेन गुड्स आर ब्रॉट ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर एंड सप्लायर, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सप्लायर जो सप्लाई करेगा डेबिट और जॉइंट वेंचर जो क्रेडिट हो रहा है। नोट लिख रहा है इफ डिस्काउंट इज रिकवर्ड ऑन पेमेंट, पेमेंट जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जॉइंट वेंचर को डिस्काउंट के अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब रिमेनिंग गुड्स जॉइंट वेंचर में बच जाते हैं तो क्या होता है, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जो बच जाता है स्टॉक उसे को वेंचर जो है ले जाते हैं, ठीक है। यदि इंटरेस्ट कैपिटल पर लाया कमीशन दिया जाता है को वेंचर को, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, है ना, ये है जॉइंट वेंचर डेबिट हो गया क्योंकि कमीशन है और क्रेडिट को वेंचर हो रही है, ले जा रहे हैं, ठीक है। दसवें पे है व्हेन प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स क्लोजर, जब प्रॉफिट बांटा जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, वहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट हुआ था यहाँ पर डेबिट हो गया, है ना, ठीक है, और टू को वेंचर, ठीक है, प्रॉफिट दिया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब छठे नंबर पर है व्हेन देयर इज लॉस ऑन जॉइंट वेंचर विच इज डिवाइडेड, जब लॉस होगा तो भी बटेगा, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो को वेंचर को डेबिट करेंगे लॉस को भुगतान करेंगे ना टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। बार वाई ऑन क्लोजर ऑफ जॉइंट वेंचर बैलेंस को वेंचर अकाउंट आर विदड्रॉल, को वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा जॉइंट बैंक को क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक को हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ओपन में ये क्रेडिट होता है जैसे को वेंचर और बैंक डेबिट हो रहा था, अब उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो दोस्तों हम एग्जांपल इस ही क्रम में करने वाले हैं 3-2-1 में, से आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों अब देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा है महेश एंड सुरेश ऑफ जयपुर एंटर्ड इन अ जॉइंट वेंचर, महेश और सुरेश जो है जयपुर से एंटर करते हैं, प्रवेश लेते हैं जॉइंट वेंचर में फॉर अ लैंड डेवलपमेंट स्कीम, जमीन के विकास की स्कीम में के लिए। दे ओपन्ड अ बैंक अकाउंट इन द जॉइंट नेम बाय डिपॉजिटिंग, वो एक खाता खुलाते हैं बैंक में जॉइंट नेम से, उसमें डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं 5 लाख 3 लाख ऑन January 1, 2015, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3, वो डिसाइड निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये वो कोई भी नुकसान होगा या फिर फायदा होगा तो 5:3 में बटेगा। अ पार्ट ऑफ लैंड परचेज फोर्स, जो एक ज़मीन का हिस्सा है वो खरीदा गया है 6,65,000 पेड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए 65,000 दिए हैं,
90,000 were paid for the expenses of government मतलब डेवलपमेंट ऑफ लैंड, 90,000 जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं. द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 40 प्लॉट्स, जो ज़मीन है वो 40 प्लॉट्स में बात विभाजित की गई है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो डिवाइड की गई है. द प्लॉट वर सोल्ड एज अंडर, जो प्लॉट है वो बेचा गया है. 25 प्लॉट जो है वो 35,000 रुपये के हैं प्रत्येक, है ना, और 7 प्लॉट जो है वो 31,000 के हैं प्रत्येक, है ना. ई ब्रोकरेज वाज पेड, 14,000 ब्रोकरेज दी गई है, और जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं वो 22,000 की प्राइस से इक्वली बांट लिए गए हैं. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन दी बुक ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर की बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं. नेसेसरी अकाउंट तीन बनते हैं इसमें. पहले नंबर पर बनता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर बनता है हमारा मतलब इसने बुक में अलग अलग बना रखा है दोस्तों, इसमें कोवेंचर अकाउंट कहेंगे, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन एक में आएंगे, ठीक है. इसने बुक में वैसा बना रखा है, पहले नंबर पर जॉइंट वेंचर, दूसरे नंबर पर कोवेंचर और तीसरे नंबर पर जॉइंट बैंक अकाउंट. ओके, अब हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक. तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, महेश सुरेश जो है ये जो ट्रांजैक्शन है 5 लाख और 3 लाख का, इससे हमें अभी कुछ लेना नहीं है, है ना दोस्तों. आप देखते हैं कि जब परचेज कितने की हुई है, परचेज 6 लाख की हुई है, तो परचेज हुई है तो जॉइंट वेंचर परचेज, जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक. अब जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो लेजर पोस्टिंग से टू जॉइंट बैंक आएगा. 6 लाख की ज़मीन का हिस्सा खरीदा गया है, उसके बाद में टू जॉइंट बैंक लिख कर ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन फीस दी थी हमने यहाँ पर 65,000, फिर टू जॉइंट बैंक अकाउंट लिखकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो रजिस्ट्रेशन ये जो अपना क्या होता है एक्सपेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम, फिर 19,000 यहाँ पर आ जाएंगे टू साइड में. टू जॉइंट बैंक ब्रोकरेज दी थी हमने 40,000 की, ठीक है, 40,000 की ये रही, तो 40,000 ये आ गए, ठीक. उसके बाद ये कह रहा है कि भाई बाय जॉइंट बैंक, यानि कि जो पहले 25 प्लॉट हैं वो 35,000 प्रत्येक, तो 25 बाय जॉइंट बैंक सेल करिए ना अपन ने, 25 × 35,000 आए तो 8,75,000 के 8,75,000 आ गया. फिर ऐसे ही बाय जॉइंट बैंक 7 × 31,000 करे तो 2,17,000, 2,17,000 आ गए. उसके बाद में जो है इक्वली कह रहा है, देखो 25 और 7 कितने, 32, 8 प्लॉट बचे जिसमें से 4-4 इन्होंने इक्वल बांट लिए. देखो जब कुछ भी पार्टनर जो मतलब जो कोवेंचर जब लेके जाएंगे स्टॉक तो बाय साइड में, और जब लेके आएंगे जब टू साइड में, अभी वो भी क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं दोस्तों. दोस्तों बाय महेश अकाउंट, महेश ले जा रहा है ना, रिसीवर है, तो डेबिट हो रहा है लेजर पोस्टिंग से बाय में आ गया. स्टॉक 4 × 22 88,000, ऐसा ही सेम सुरेश में, बाय सुरेश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4 × 22 88, ठीक. उसके बाद में क्रेडिट का टोटल लगाया, डेबिट लेस किया तो प्रॉफिट आया. इसको इसको अपन ने 5:3 में बांट दिया दोस्तों, ठीक है, और इसका बाहर टोटल लिख दिया तो 2,62 आ गया, 12,68 दोनों साइड का. उसके बाद देखते हैं महेश का, महेश ने क्या किया था जब ये शुरू में आया था ना, महेश देख डिपॉजिट किया था महेश ने 5 लाख और सुरेश ने 3 लाख. देखो इसने तो अलग अलग बना रखा है, मैं बताता हूँ आपको, हमको अलग अलग नहीं बनाना है. हम अब जब बनाएंगे कोवेंचर अकाउंट दोस्तों ऐसे बनाएंगे कि देखो बाय जॉइंट बैंक 5 लाख तो उसने क्या कहते हैं महेश ने दिए थे, और बाय जॉइंट वेंचर अब देखो जो प्रॉफिट यहाँ से महेश का है ना वो, अब जब इसमें जॉइंट वेंचर है अब कोवेंचर में करेंगे तो वहाँ पर ये जो कोवेंचर महेश था वहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, और अभी जॉइंट वेंचर के नाम से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. देखो ये हो रहा है बाय जॉइंट वेंचर 295,625. उसके बाद टू जॉइंट वेंचर यहाँ पर ये स्टॉक ले जा रहा था महेश 88,000 का, तो 88,000 यहाँ पर आ गए, और क्रेडिट का टोटल लगाया और डेबिट लेस किया तो 7,07,625, यानी कि 7,07,625 आ गए. और ये बैलेंसिंग फिगर मतलब है इसको इतना पेमेंट अभी हमें करना है, ठीक है. अब सुरेश की बात करते हैं, सुरेश आया था 3 लाख इसने जमा कराए थे बैंक में,
अकाउंट खुलाया था वो टू जॉइंट वेंचर, इसका प्रॉफिट है दोस्तों देखो यहाँ पर ये आ रहा है 173,375, ठीक ये आ गया उसमें। इसके बाद में सुरेश जो है ये ले गया था अमाउंट 18,000 का, टू जॉइंट वेंचर 18,000 ये रहा बैलेंस शीट पर, क्रेडिट में से डेबिट लेस तो बैलेंसिंग फिगर आ गया, फाइनल पेमेंट ये करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट पे, जॉइंट बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अब देखो जॉइंट वेंचर में देखना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। जॉइंट वेंचर में देखना है कहाँ कहाँ पर बैंक आ रहा है, देखो एक तो ये रहा तो इसको टू में, ये टू में है तो इसमें जॉइंट बैंक में बाय में जाएगा, तो बाय जॉइंट वेंचर लेजर पोस्टिंग हो रही है दोस्तों। देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो आप जॉइंट वेंचर, अब जॉइंट बैंक बना रहे हैं तो बाय जॉइंट वेंचर देखो ये गया 6 लाख, ऐसे ये 65,000 गया, ऐसे 90,000, 40,000 गए, और जो क्या कहते हैं मैं ये सब देखो कोवेंचर में देखना है कहाँ पे आ रहा है अपना। हाँ ये रहा टू जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर में 7,07,625, और ऐसे ही सुरेश में भी आ रहा है 83,375, ठीक। उसके बाद हमें जो है जॉइंट बैंक में जो बैंक में ओपन कराया था अकाउंट उसको भी देखना है, तो टू महेश में 5 लाख और सुरेश में 3 लाख दोस्तों। और जॉइंट वेंचर जो है जॉइंट वेंचर देखो सेल हुई है हमारी जॉइंट बैंक बाय साइड में, जो बाय वाले जो होते हैं वो टू में, टू वाले बाय में, ठीक है 8,75,000 ये आ गए। उसके बाद ये 217 की रही टू जॉइंट वेंचर 2,17,000, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, ये दूसरा एग्जांपल हुआ है, इसने हमसे नेसेसरी अकाउंट पूछे थे, ठीक है ओके। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, तो इसमें दूसरे एग्जांपल में पढ़ते हैं दोस्तों। रमेश एंड नरेश डूइंग बिजनेस सेपरेटली एंड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, रमेश और नरेश जो है वो सेपरेटली एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं दोस्तों, ठीक है। जॉइंटली कंस्ट्रक्ट एक मिलजुल कर वो एक बिल्डिंग, नई बिल्डिंग जो है वो करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी है 4 लाख, ठीक। पेबल है मतलब चुकानी 3/20 है इंस्टॉलमेंट केस में, और जो है 80,000 के शेयर इशू करेगी कंपनी। जॉइंट बैंक ओपन किया है पंजाब PNB में, और सभी कैश जो है ट्रांजेक्शन सभी कैश ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं बैंक के थ्रू, ठीक। रमेश जो है नरेश, रमेश ने तो 1 लाख के, नरेश ने 60,000 बैंक में, इनसे कोई लेना नहीं है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन में 2:1 है, इसमें बांटेंगे प्रॉफिट लॉस को। ट्रांजैक्शन में जॉइंट वेंचर के वो दे रखे हैं वेजेस पेड। अब इसकी जो है वो देखते हैं हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड है, तो वेजेस पेड में टू जॉइंट बैंक, इसमें वो आएगा पहले, मतलब जो है वेजेस तो बाद में, पहले वो आएगा 120,000 का, देखो 120,000 का परचेज। इसमें क्या है नियम ये है कि सबसे पहले हम परचेज लिखते हैं, तो 120 की परचेज है टू जॉइंट बैंक परचेज 120,000। उसके बाद में टू जॉइंट बैंक वेजेस 1 लाख, ठीक। उसके बाद इसने दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किए हैं 48,000 के, तो टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस 48,000, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि भाई रमेश ने जो है मटेरियल दिया, स्टॉक लाया है आपकी बार, तो टू मैंने बोला था ना लाएगा तो टू साइड में और ले जाएगा तो बाय साइड में, तो देखो रमेश स्टॉक 16,000, ऐसे ही सेम नरेश का है, देखो नरेश ने दिया है 10,000 का, तो देखो यहाँ पर 10,000 का ये रहा नरेश का, ठीक। रमेश ने देखो आर्किटेक्ट फीस दिए, देखो ये रही देखो आर्किटेक्ट फीस पेड बाय रमेश 8,000, तो ये रही देखो आर्किटेक्ट फीस 8,000, ठीक। उसके बाद हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो 4 लाख के थे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस केस में इतना होना था और शेयर में 18,000 था, तो देखो बाय जॉइंट बैंक कॉन्ट्रैक्ट मनी 3,20,000, शेयर दिए थे जो कंपनी ने तो वो 80,000, और नरेश स्टॉक जो है वो ले जा रहा है 12,000 का, देखो ये रही इस लाइन में। एंड नरेश टुक रिमेनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑफ 12 लाख,
थाउजेंड है ना, तो बाय नरेश स्टॉक 12,000। उसके बाद ये कह रहा है कि देखो रमेश ने सभी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर थे 80 के थे 72 में जो ले लिए, तो टू शेयर ऑफ कंपनी लॉस हो गया 8,000 का क्योंकि 80 के थे। उसके बाद में क्रेडिट में से डेबिट लेस किया तो दोस्तों ये आ गया, इसको रेशो में बांटा 2:1 में, तो ये आ जाएगा और बाहर टोटल लगा देंगे 4,12,000 दोनों साइड आ जाएगा। उसके बाद हम इनके अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक। रमेश अकाउंट इसमें अलग अलग है, तो बाय बैंक वो 1,00,000 उसने जमा किए थे, देखो ये रहे 1,00,000 रमेश के, ठीक है। तो ये रहे रमेश के 1,00,000 ये रहे, और 60,000 का उसने क्या किया था, 16,000 का उसने रमेश ने क्या स्टॉक दिया था, तो ये रहा स्टॉक। बाय जॉइंट वेंचर 8,000 का उसने आर्किटेक्ट फीस दी थी है ना, और 68,000 जो है उसको प्रॉफिट हुआ ये रहा, तो यहाँ पर बाय जॉइंट वेंचर के नाम से ट्रांसफर हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों टू शेयर ऑफ कंपनी, तो शेयर लिए थे उसने देखो ये रहे 72,000 के, ठीक रमेश ने, तो ये आ गए 72,000 के। अब क्रेडिट में से डेबिट लेस किया तो ये 72 में से लेस किया 120 आया, ये फाइनल बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद में नरेश पे आते हैं, नरेश ने जॉइंट बैंक में पैसे दिए थे 16,000 देखो ये रहे, ठीक है। तो बाय जॉइंट वेंचर 60,000 और बाय जॉइंट वेंचर 10,000 आगे इसके, इसने क्या किया था 10,000 का स्टॉक लाया था ये, तो 10,000 का ये हो गया बाय जॉइंट वेंचर, और बाय जॉइंट वेंचर 34 इसका प्रॉफिट आया था नरेश का, ठीक है। उसके बाद जॉइंट टू जॉइंट वेंचर स्टॉक ले गया था, बाय में था ये टू में आ गया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में से डेबिट लेस ये 92,000 आ गया, ठीक। अब जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, बाय जॉइंट वेंचर 120 देखो 120 टू साइड में आ रहा है, तो बाय में आएगा बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है और 1,00,000 की विजेस चुकाए हमने ना, तो 1,00,000 बाय जॉइंट वेंचर, और बाय जॉइंट वेंचर 48,000 का हमने एक्सपेंसेस किए, और बाय राम्स फाइनल पेमेंट में टू जून जॉइंट बैंक आ रहा है देखो राम में 120, तो ये रहा 120 देखो है ना। उसके बाद कह रहा है फाइनल पेमेंट हो गया, उसके बाद नरेश का लिखना है हमें, नरेश का कितना है 92,000 है, तो बाय जॉइंट वेंचर नरेश, बाय नरेश फाइनल पेमेंट बी एफ लिख दो या फाइनल पेमेंट लिख दो 92,000। रमेश ने 60 से ओपन किया था, इसने रमेश ने 1,00,000 से, उसने 60 से, टू जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट मनी जो थी 3,20,000 की वो आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसने नेसेसरी अकाउंट बोले हैं तो तीन बनेंगे, जॉइंट वेंचर और को वेंचर, या अलग अलग बनाने में सही नहीं रहता है, एक को वेंचर का एक में ही ट्रांजेक्शन कर दो फिर जॉइंट बैंक, ये तीन अकाउंट बनते हैं। दो एग्जाम्पल हो चुके हैं दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आज हम सिर्फ इसमें इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तीन एग्जाम्पल करेंगे है ना, 1, 2, 3, ठीक है। विवेक भावेश एंड पार्थ एंटर्ड इंटू जॉइंट वेंचर टू डिवाइड प्रॉफिट इक्वली। विवेक भावेश पार्थ एंटर हुए हैं जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। जनवरी 1, 2016 को ओपन किया है उन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रीब्यूट योगदान दिया है 13,000 का, ठीक है दोस्तों 13,000 का, और भावेश ने 14 का, पार्थ ने 19 का। उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंटरेस्ट है वो लगेगा 6% पर एनम, जो कैपिटल है इनकी इंटरेस्ट जो भी डिपॉजिट कराया है। गुड्स वर बोट फ्रॉम अनिल, अनिल से सामान खरीदा है 1:25 का। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन पर चलेंगे। एंड विवेक स्टॉक वाज टेकन फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स, जो विवेक के 25 को ले जा रहे, दे सेटल दियर अकाउंट अनिल के चेक से सेटल कर दिया है 10,600 से एक्सपेंसेस। विवेक ने जो सामान है जॉइंट वेंचर का वो कैश में बेचा 80,000 का, और रिमेनिंग गुड्स जो सुनील को क्रेडिट पे 1:20 में दे दिया। बिल जो है डिस्काउंट कराया बैंक से 1:17 में, यानी कि 3,000 जो है डिस्काउंट चले गए। इनिशियल कैपिटल जो है उन्हें रिटर्न कर दी 31 मार्च 2016 को, 3 महीने चला है, 5% कमीशन सेल पर दिया है,
जर्नल एंट्रीज और ओपन नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। जॉइंट वेंचर अज्यूमिंग फाइनल सेटलमेंट वाज मेड 31 मार्च 2016। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। देखो टू विवेक, विवेक ने क्या किया है, विवेक ने क्या क्या है, 30,000 जो है सेपरेट है इनकी। अब की बार क्या है इसमें, सेपरेट है, अलग अलग है। तो विवेक ने 30,000 किया, तो टू जॉइंट टू विवेक 30,000 इसमें क्या है, जॉइंट बैंक बना रखा है पहले, तो हमको ये नहीं करना है, हमको जॉइंट वेंचर बनाना है। टू अनिल, देखो सेल मतलब जो बंदे कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट परचेज टू अनिल, क्रेडिट पे है ना 120, जॉइंट वेंचर में टू अनिल अकाउंट 125। उसके बाद है टू विवेक स्टॉक, 25,000 का विवेक जो है स्टॉक ला रहा है। ये लाइन थी ना यहाँ पर अपनी, विवेक स्टॉक वाज टेकन फॉर बाय जॉइंट वेंचर। ठीक, उसके बाद इसमें आ रहा है जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, जो अपन ने उसको चेक में दिए थे ना अनिल को 10,600 के। ठीक है, ये आ गया 10,600, तो इसमें जॉइंट वेंचर में आएगा मतलब क्या, हाँ टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस 10,600 और डिस्काउंट, मतलब देखो 1/20 का था अपना, 1/20 का था तो उसमें हुआ क्या, 1/20 का था और 1/17 अपन को मिले थे, तो दो जो है क्या कहते हैं 3,000 जो है वो डिस्काउंट में चले गए, तो टू बी आर डिस्काउंटेड। ठीक है, 3,000 टू विवेक इंटरेस्ट, देखो विवेक है जियो, विवेक ने क्या किया है, 80,000 की सेल तो इसमें की है कैश में, और सुनील को क्रेडिट पे भी दिया है 1/20 में, तो 80 और 1/20 2,00,000। ठीक, 2,00,000 पर 5% निकलेगा तो 480, और 2,00,000 पर 4% मैं आपको बचा देता हूँ सोल्व करके। देखो दो लाख इंटू 5/10 इंटू 3/12, ठीक है 10, 6, 5, 25 दिया 75/6 ऐसे ऐसे आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ये कैलकुलेटर से देख लेना आप, ऐसे होएगा 2,00,000 × 5/100 जो भी है। ठीक है, देख लेना एक बार करके। विवेक को इंटरेस्ट 4/20, भावेश को है, हाँ ये मतलब ऐसे आ रहा है कि जो इनकी जो कैपिटल लगाई थी ना इन्होंने, देखो ये वाली जो लगाई है ना 30,040 और 90, इस पे आ रहा है ये। देखो मैं करके बताता हूँ, देखो 30,000 × 12 × 6/12, तो 3 × 12 और 3 × 12 6, 6 × 12, ठीक है 2 × 2 = 10, ऐसे ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, निकाल लेना, और अब इसका भी ऐसे ये 40,000 रुपये 3-3 महीने का देना है 6% से। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया, अब हम करते हैं, अब हम इससे आगे चलते हैं टू विवेक कमीशन, कमीशन जो है विवेक। अब देखो विवेक ने क्या है, 80,000 का कैश में बेचा था, 1/20 का क्रेडिट में, 5% कमीशन देना है विवेक को, तो 3 महीने के हिसाब से 5% का आएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रेडिट साइड में हम चलते हैं, बाय सुनील, मतलब सुनील को कितने में बेचा है, देखो उसको मतलब डेबिट किया है हमने, क्योंकि वो जो है रिसीवर है सुनील। अब जॉइंट वेंचर में बाय सुनील लिख दिया, 1/20 दिया क्रेडिट पे, और बाय जॉइंट बैंक जो है वो केस में सामान बेचा था हमने मतलब स्टॉक, तो 80,000 वो आ गए। ठीक है, उसके बाद इसका क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट लेस किया तो हमारा 24 24 को इक्वली बांट दिया 8,000 में ना, 2,00,000 2,00,000 दोनों साइड मैच कर गई। और अब देखो भावेश का, भावेश ने 40,000 लगाए थे बाय जॉइंट वेंचर में, जो है इंटरेस्ट था इसका देखो 600, ये रहा भावेश का,
600 यहाँ पर ट्रांसफर, और जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट 8000 है ये यहाँ पर, और इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फाइनल पेमेंट डायरेक्टली लिख दें। तो इधर लिखेंगे तो टू बैंक आएगा 40000, और इधर लिखेंगे तो फाइनल पेमेंट 48600 ही आ जाएगी, ये लिख देना सीधा, ठीक है। जॉइंट वेंचर देखो, अब उसने क्या है 90000 लगाए थे पार्थ ने, है ना, और जो जॉइंट वेंचर जो इंटरेस्ट मतलब उसको मिला था पार्थ को, तो वो 1350 मिला था, ठीक है। बाय जॉइंट वेंचर 8000 जो है इसको प्रॉफिट मिला है, तो बाय जॉइंट वेंचर नाम से। और जो फाइनल पेमेंट है दोनों तरह से हो सकता है, या तो ये 93,50 या फिर ये एक तरह से 99,350, तो फाइनल पेमेंट ये हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद ये तीनों अकाउंट बन चुके हैं, अब हम चलते हैं इसके जॉइंट बैंक अकाउंट में जो ये पहले दे रहा था। विवेक ने 30 लगाए थे, भावेश ने 40 और पार्थ ने 90, ठीक। जॉइंट वेंचर 80000 की जो सील थी वो थी, और बाय जॉइंट बैंक थी वहाँ पर, टू जॉइंट वेंचर आ गई बैंक में। देखिए हमको ये देखना है कि टू मतलब बैंक कहाँ पर आ रहा है। देखो बाय अनिल, अनिल देखो यहाँ पे आ रहा था टू अनिल, तो वहाँ पे ट्रांसफर मारा है तो 1,25 आया। बाय जॉइंट वेंचर 10,600, देखो 10,600 जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस के नाम से है, तो यहाँ पर बाय जॉइंट वेंचर आएगा 10,600। विवेक, विवेक को रिटर्न कर दी, वो कह रहा था ना वहाँ पर रिटर्न करनी कैपिटल 30,000, भावेश को 40, पार्थ को 90, और विवेक का फाइनल पेमेंट आया था 43,450। देखो विवेक, विवेक ही रहा 43,400। अब अपना क्या है 73,450 ही आया, क्योंकि इसने अलग अलग कर रखा है इस वजह से, है ना। यहाँ पे भावेश का फाइनल पेमेंट भी फ्लक्चुएट मारेगा, यहाँ पे ये 48,600 आएगा, ठीक है। और पार्थ का फाइनल पेमेंट 99,350 आएगा, ठीक। सो टोटल जो है वो भी फ्लक्चुएट मारेगा, क्योंकि हमने क्या है अपना मेथड अपने मेथड से किया है। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं, ठीक है, एंट्रीज देखते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर जो है हमारे जो बैंक अकाउंट ओपन होने की होती है, 1,30,000 विवेक ने, भावेश ने और इसने, ठीक है, टोटल लगा दिया डेबिट में 1,60,000। उसके बाद जो है दूसरी होगी परचेज की, हमने अनिल से 1,25 में माल खरीदा है, देखो ये रहा 1,25, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल 1,25, याद के लिए ब्रैकेट में परचेज लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या है विवेक जो है स्टॉक लाया था, तो जॉइंट वेंचर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू विवेक 25। उसके बाद ये कह रहा है कि अनिल को हमने पेमेंट भी किया है, तो अनिल को पेमेंट किया है, तो मेरे भाई अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 1,25। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंसेस दिए थे 10,600 का चेक द्वारा दिया है, देखिए रहा। तो इसमें क्या हुआ है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक में से जा रहे हैं, वहाँ पर ये टू जॉइंट बैंक ही हुआ था जॉइंट वेंचर में 10,600, ठीक। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 80,000 की जो है गुड्स सोल्ड किए थे केस में, तो कैश आ रहा है और सेल जो है वो जा रही है क्रेडिट, है ना। सुनील अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 1,20, सुनील जो सुनील था हमने क्रेडिट पे माल दिया था, तो देखो सुनील है, सुनील हमें देगा पैसे, ठीक है। सुनील यहाँ पर रिसीवर हो गया और सेल यहाँ पर क्रेडिट हो गई है। बिल यार अकाउंट डेबिट टू सुनील, सुनील को दिया था बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है। बी आर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर, कोवेंचर की कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। बी आर डेबिट एक है ना, ये एक्सेप्ट किया सुनील ने बिल क्रेडिट का। उसके बाद कह रहा है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। देखो जॉइंट वेंचर वहाँ पर हम लिखते थे इसको डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 11th में, ठीक। यहाँ पर जॉइंट वेंचर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जॉइंट वेंचर की बात चल रही है, ब्रैकेट में आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3,000 का डिस्काउंट हुआ था 1,17 में जो बिल है, मतलब पैसे हमारे पास आए क्योंकि बैंक के कुछ चार्ज करता है। उसके बाद 1,20 टोटल दोनों का हो गया है। भावेश अकाउंट डेबिट, पार्थ अकाउंट, विवेक अकाउंट डेबिट जो है इनको रिटर्न कर दी इनकी कैपिटल, ठीक, 3 महीने बाद 1,60,000। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक 10,000 जो है उसका
क्या कहते हैं कमीशन हुआ था सेल पर जो विवेक को दे दिया गया है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जो विवेक भावेश पार 2400 जो इनका इंटरेस्ट था। ठीक है देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटर। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एंट्री होती है ना जर्नल एंट्री वो फॉर्मेट में होनी चाहिए हमेशा। दूसरी बात यह है कि उसका जो है क्या कहते हैं उससे नरेशन है वो बहुत जरूरी है। अगर नरेशन आप लिखते हो तो नंबर नहीं मिलते, अगर आप नहीं लिखते पूरी एंट्री कट जाएगी, बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहा है। अब तेरी जो एंट्री है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक भावेश पार्थ ये थी उनके प्रॉफिट की 8-8 हज़ार आए थे जो है ना टोटल जो है 24 हज़ार। विवेक भावेश पार्थ टू जॉइंट बैंक अब जो है उनका फाइनल पेमेंट था यहाँ पर आएगा 99,350। यहाँ पर आएगा कितना हाँ उसके देखो ये इस हिसाब से आएगा देखो ये रहा 48,673,450, 99,350 ये वाला जो अमाउंट है ये वाला ये अमाउंट आएंगे अभी यहाँ। ठीक है टोटल लग जाएगा और यहाँ पर अपने ये तीनों एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे और इसके तीन एग्जांपल्स 4 to 6 एग्जांपल। दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।